अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी का 74वां जन्मदिन इंदौर के मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कल्याण संघ में बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान मंच पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चंद्रमोहन शेखर, कांग्रेस शहर के कार्यकारिणी नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी का जन्मदिन है, 74वां जन्मदिन है, उसको हमने शांतिपूर्वक साथ के साथ में आदरणीय आज हमारे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बच्चों के बीच में हमारे आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय विनय बाकलीवाल जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सी पी शेखर साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के सही परिवार के लोगों ने आज इन बच्चों को जन्मदिन मनाया, केक काटा, फल फूल बांटे, उसके अलावा बच्चों को भोजन की व्यवस्था करिए, जिससे हम उनकी बहुत प्रार्थना करते हैं, उनकी लंबी आयु हो और प्रदेश का देश का नेतृत्व करते रहे, जिससे उनके नेतृत्व में हमने जो अभी भारत सरकार बनाई है, हरियाणा में अच्छी सीटें लाए, उसके अलावा आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी। अब हमारे जो परसेंटेज बीजेपी का जो 41 रह गया, हम चाहते हैं कि 2 साल के अंदर उनका जो प्रदेश के अंदर जो देश के अंदर माहौल बन रहा है उसमें कांग्रेस सरकार बनेगी और 5 साल बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी और उनके नेतृत्व में मैं प्रधानमंत्री बनेगा। अध्यक्ष सोनिया गांधी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर आज मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के दृष्टिहीन बच्चों के साथ सादगी से मनाया। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा केक भी काटा और उनको केक खिलाकर मुंह मीठा कराया, साथ ही सभी बच्चों को फल वितरण किए गए। बाद में नगर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल द्वारा सभी बच्चों को भोजन भी कराया। इस दौरान पत्रकारों को बताया और कहा कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी वह सतत संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, हम सब की नेता, जन जन की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का 74वां जन्मदिवस हमने यह मध्य प्रदेश दृष्टिहीन के प्रांगण में हमने आज यहाँ पर बनाया, बड़ी सादगी के साथ बनाया। हमने इन जो मध्य प्रदेश दृष्टिहीन के जो बच्चों के बीच में देखकर हमने फल फ्रूट वितरित किए, केक काटा और साथ में हम उनकी भोजन कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। मेरे साथ में भाई संजय शुक्ला जी, सर्वेश तिवारी जी, इन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय चंद्रभाव शेखर जी उपस्थित हैं। मैं और बाकी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाकी अन्य नेता उपस्थित हैं, मैं उनको सबको साधुवाद देता हूँ।